हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका सिर्फ एक चम्मच अगर आप रात को पानी में भिगोते हैं और सुबह इसका सेवन करते हैं तो आपके सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखूनों तक बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए बहुत मददगार है। दोस्तों, अगर किसी की भी हड्डियों की बोन डेंसिटी कम हो चुकी है, हड्डियाँ कमजोर हो चुकी है, बहुत जल्दी टूट जाती है या टकराने पर दर्द होने लगती है या आपके घुटनों में तेज दर्द रहता है, आपकी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या फिर आपको माइग्रेन की समस्या है, सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा है, इन सभी समस्याओं के अलावा अगर आपको डायबिटीज की समस्या है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सिर्फ आपने इस चीज का एक चम्मच रात को पानी में भिगोना है और सुबह सेवन करना है। बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों। वो कौन सी चीज है? वो है पंपकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज कहे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इनके फायदे जान लिए तो पक्का आज से ही इनका सेवन करना शुरू कर देंगे। इन कद्दू के बीजों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, इसके अलावा फोलेट और सबसे बड़ी बात विटामिन B12 होता है। दोस्तों, ये सभी की सभी चीजें हमारे हार्ट के लिए, हमारी पैनक्रियाज के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको इतना तो मालूम ही है कि हमारी बॉडी में नसों का जाल बिछा हुआ है और इनका सही से काम करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शरीर के अंदर अकड़ाहट सी रहती है, सुनपन सा रहता है, नसों में सुनपन सा रहता है, बहुत घबराहट, बेचैनी सी रहती है, वो अपने शरीर से बहुत तंग से रहते हैं, बीपी भी सामान्य से ज्यादा रहता है, तो उनको रोजाना सिर्फ एक चम्मच पंपकिन सीड को रात को भिगो देना है, कद्दू के बीजों को रात को भिगो देना है और सुबह इसका सेवन करना है। ऐसा करने से शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाएगा, यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल शरीर में घटने लगेगा और इसकी दूसरी तरफ HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। दोस्तों, जिन भी लोगों को गठिया की शिकायत है उनके लिए तो ये एक औषधि की तरह काम करते हैं। जिनको भी ये समस्या है, यानी गठिया, जोड़ों का दर्द जिसे कहा जाता है, वो समस्या है, तो उन्हें सुबह शाम इस बीजों का सेवन करना है। एक एक चम्मच आपने गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करना है। इसके अलावा आप क्या करिए, ये पंपकिन सीड्स जो है, यानी कद्दू के बीज है, इनका तेल भी निकलवा लीजिए। जहां भी दर्द वाला स्थान है, जहां भी आपके हड्डियों में या जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहां इसी तेल से मालिश कीजिए, आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की हड्डियां कमजोर है लेकिन उनको जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी कि जॉइंट पेन की समस्या नहीं है लेकिन हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों का घनत्व जो है वो कम हो चुका है, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है, बार बार हड्डियां लचक खाती है, टेढ़ी हो चुकी है, तो भी उनको रोजाना इन बीजों का सेवन दिन में 2 बार करना है, वो भी गुनगुने दूध के साथ। दोस्तों, ये हड्डियों के घनत्व को बढ़ा देगी, हड्डियों को मजबूत कर देगी। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको हाई बीपी की समस्या है, हाई बीपी क्यों होता है, जब हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। खून अच्छे से फ्लो क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बहता? खून गाढ़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है, जिसके कारण नसें जो है वो अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है और वो गंदा खून जम जाता है। दोस्तों, इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, हार्ट को खून को पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, रात को एक चम्मच कद्दू के बीज भिगो देने हैं और सुबह इसका सेवन करना है। इसके अलावा जिनको भी सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, सिर की नसें कमजोर है, आधे सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या हो चुकी है, तो उनको क्या करना है, पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज है, उनका पाउडर बना लीजिए, गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा आपने इन्हीं पंपकिन सीड का तेल निकलवा लेना है और 2-2 बूंद आपने नाक के अंदर, अपनी दोनों नोस्ट्रिल के अंदर, जिसे नासिका कहा जाता है, उसके अंदर डालनी है। ऐसा करने से सिर की नसें स्ट्रांग हो जाती है, सिर की नसों को ताकत मिलती है और माइग्रेन की समस्या तो पूरी तरह से दूर हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि कद्दू के बीजों के अंदर मैग्नीज बहुत अच्छी मात्रा में होता है और जो ये मैग्नीज तत्व है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये किसी भी फूड के अंदर है, किसी भी खाने वाली चीज के अंदर है, तो हर एक उस इंसान को इस मैग्नीज वाले फूड का सेवन जरूर करना है जिनकी भी बोन डेंसिटी कम हो चुकी है और वो अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर मैग्नीज वाला खाना, यानी जैसे कि ये कद्दू के बीजों के अंदर मैग्नीज अच्छी मात्रा में होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को, उनके रिस्क को बहुत घटा देते हैं।
इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बहुत अच्छा फायदा है कि जिनको डायबिटीज की समस्या है, ब्लड शुगर लेवल शरीर में बढ़ता है, तो अगर वो भी मैग्नीज वाला खाना खाते हैं यानी कद्दू के बीज अगर सेवन करते हैं तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करती है। पंपकिन सीड का रोजाना सेवन करने से ट्राइग्लिसराइड का लेवल शरीर में कम होने लगता है। जिनको भी लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है उनके लिए और जिनको हार्ट से संबंधित यानी दिल से संबंधित कोई भी समस्या है उनके लिए ये कद्दू के बीज बहुत फायदेमंद है। दोस्तों इनके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते, जैसे कि कब्ज की समस्या। किसी को बताने में भी थोड़ा संकोच करते हैं कि कब्ज नहीं बताया जा सकता। दोस्तों अगर किसी भी इंसान को कब्ज की यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तो उनको भी रोजाना कद्दू के बीज जरूर सेवन करने हैं, लेकिन रात के टाइम आपने इनका सेवन करना है। शाम को पानी में भिगो दीजिए और रात के टाइम इनका सेवन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके सीने में या पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी की शिकायत है तब भी आपको कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करना है। आप दिन में कभी भी कर लीजिए लेकिन आपने नॉर्मल पानी के साथ करने हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के 3 घंटे पहले इन्हें जरूर भिगोना है। दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। कद्दू के बीजों का सेवन करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, वो चाहे नसों की ब्लॉकेज हो या नसों की कमजोरी हो, सिर की नस कमजोर हो चुकी हो या हाथों पैरों की नसें कमजोर हो चुकी हो या फिर आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, हड्डियां कमजोर हो चुकी हो, इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ 1 चम्मच आपने रात को पानी में भिगोना है और सुबह इसका सेवन करना है। दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन उसके अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।